हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है देव बैक न्यू वीडियो के अंदर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग, मैं और हमारे डेविल एक्जी भाई या फिर पायलट सासू के भाई, जो भी आप बोल दो गाइस, हम दोनों मिलके आज भाई लेने वाले हैं सोल गिटार। एंड गाइस, सोल गिटार लेने के लिए भाई बहुत सारे हमको क्विस्ट वगैरह मिशन वगैरह कम्प्लीट करने होते हैं। तो भाई कैसे कुछ करना है वो सारी चीज हमारे डेविल एक्जी भाई हमको बताने वाले हैं। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग किस तरीके से सोल गिटार ले सकते हैं। और गाइस, अगर आपको भी लेना है तो भाई आप लोग इस वीडियो को फॉलो करो, आप लोग को भी सोल गिटार मिल जाएगी। तो गाइस चलो गाइस करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले नंबर गाइस हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। गाइस देखिए, सोल गिटार लेने के लिए हम लोग को यहाँ पे भाई लेवल कम से कम 2200 होनी चाहिए। आपको एक सबसे मेन चीज का ध्यान रखना होगा, जो कि गाइस आपको होगा यहाँ पे भाई फुल मून। तो यहाँ पे आपको एक क्विस्ट मिलता है जो कि गाइस सिर्फ फुल मून में मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे नाइट का वेट कर रहे थे, हम लोग ने नाइट का वेट किया, जब जाके यहाँ पे फुल मून आया। गाइस फुल मून होने के बाद हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस आप लोग को भाई देखो, सोल गिटार चाहिए तो सबसे पहले नंबर आपका लेवल होना चाहिए 2200। साथ में गाइस आप लोग को 2200 लेवल करने के बाद में यहाँ पे भाई आप लोग को आ जाना भाई, यहाँ पे फुल मून जैसे ही होगा, फुल मून होने के बाद आप लोग को इस जगह पे आ जाना है। और इस वाले जगह पे आने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे एक मिशन या क्विस्ट जो भी आप बोलते हो वो हमको करना होगा। उसके लिए भाई हम लोग को यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला चाचा जी है जो यहाँ पे हॉन्टेड वाली प्लेस है। आप लोग इस प्लेस का नाम अगर नहीं पता है तो आपको बता दूं, ये हॉन्टेड वाली प्लेस है। हॉन्टेड प्लेस पे आना है, हॉन्टेड वाली जगह पाने के बाद में गाइस आप लोग को ये वाला जो है, ये वाला बंदा, इससे आप लोग को बात करना है। जब इससे आप लोग बात करोगे, इसमें आप लोग को करना है प्रे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे प्रे पे क्लिक करोगे, यहाँ पे बोलेगा यू आर प्लेयर हैव बीन आंसर्ड। उसके बाद लिखा है वुड यू लाइक टू प्ले गेम, यस कर देंगे। एंड देन गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एकदम से ब्लैक स्क्रीन हो गया, वेरी वेल। और उसके बाद में कुछ नहीं हुआ है, बस वेरी वेल लिख दिया इसने। अब हमको क्या करना है डेविल एक्जी भाई? आओ भाई मेरे पीछे। चलो भाई डेविल एक्जी भाई के पीछे चलते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो, सोल गिटार मिलेगी गाइस, मजे ही मजे। आज गाइस हम लोग सोल गिटार लेंगे। और भाई सोच रहा हूँ मैं लाइव स्ट्रीम में गाइस आज मैं मैक्स लेवल भी कर लूंगा, तो देखते हैं भाई होता कि नहीं होता। ये हो गया रेड, हाँ एक्चुअल में रेड हो चुका है। और ये सबको ना एक एक करके बीच में बुलाओ, तो मैं बुला देता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, बुड्ढा बन जाओ या फिर बुड्ढा ग्लिच कर लो। उठ जाओ उठ जाओ, यार किसी को डैमेज दे दिया बहुत तगड़ा वाला मैंने। A few moments later, यहाँ पे सब आ चुके हैं। एक साथ मारना सबको, सबको एक साथ मार रहा है। लेके तो रुको रुको, आ गया आ गया, मारो। अरे नहीं यार, नहीं यार, ग्लिच नहीं हुआ। बुड्ढा बन के मार देना, कोई बात नहीं, रुको अभी मत मारो। ठीक है समझ गया, अब इनकी हेल्थ फुल होगी देन मारूंगा इनको, है ना? नहीं 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 नहीं, अब मारो। अरे रुको, नहीं मत मारो, फ्लैश टैप यूज करके मेरे पास आ जा रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे भाई साहब कितने बंदे हैं, कर दो मारो मुरी। अब मारो मारो, चलो खत्म करते हैं इन लोग को गाइस। नहीं हुआ कुछ, तो नहीं हुआ यहाँ पे, बोन वगैरह दे दी इनने। तो गाइस हम लोग को ये वाले देखो क्वेश्चन लेने के बाद में, क्वेश्चन लेने के बाद गाइस हम लोग को यहाँ पे एक साथ मारना पड़ेगा इन लोगों को। और एक साथ मारने के लिए भाई यहाँ पे इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखते कितना टाइम लगता है। और एक साथ मारना भाई, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे डेविल एक्जी भाई साथ में साथ के सब बंदों को लेके आ रहे हैं, तो हम तो थोड़ा सा इधर पे हो जाते हैं और होने के बाद में थोड़ा यहाँ पे बुद्धा बन जाते हैं। एंड गाइस हम लोग को इसको इन लोग को मारना है। देखो फुल मून होने के बाद में एक बार बस इनका क्वेश्चन ले लो, और जैसे ही आप लोग इनका क्वेश्चन ले लोगे वैसे ही आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डेविल एक्जी भाई एक साथ लेके आओ, फिर से एक साथ लेके आओ, घुमा घुमा के। यार यार आप मार देते हो, मैं उनको डैमेज दे देता हूँ, सबसे मेन चीज आप उनको डैमेज दे दे रहे हो। हेल्थी डैमेज कोई दिक्कत नहीं है, सब एक साथ मरने चाहिए बस, वही है। वो देखो वो नहीं आ पाया एक जना, नहीं मरेगा यार, कैसे मरेगा ऐसे? उधर वाले एनपीसीज को नहीं मार सकते क्या? मैं नहीं नहीं यही मारना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं सबकी बराबर एचपी कर देता हूँ, फिर तुम एक साथ मार देना दोनों। हाँ तो वही बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा किसी का कम रहता किसी का ज्यादा रहता तो वो एक साथ हो जाता है। मेरा ना फिस्ट मैंने चेंज कर लिया इलेक्ट्रिक वाला, मैं सोच रहा हूँ सार्कमन वाला दोबारा लेके आ जाते, उससे ना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या बोलते हो? हाँ चलो चलो भाई, सार्कमन वाला हम लोग, वो मतलब सार्कमन कराटे वाला पहले जल्दी से हम लोग वो लेके आएंगे फिस्ट, क्योंकि मैंने फिस्ट चेंज कर ली थी। तो चलो भाई फटाफट से चलते हम लोग, पहले सार्कमन वाला फिस्ट लेके आएंगे।
क्योंकि उससे ना डैमेज बहुत परफेक्ट पड़ता है, तो वो वाली पिस्टल लेके आएंगे हम लोग। एंड देन गाइस हम लोग एक साथ मारने की कोशिश करेंगे यार, बहुत मतलब कि टाइम लग जाएगा इस तरीके से। दो कुछ देख रहे हो मतलब दो बार मतलब बंदों को मारा, दोनों बार यार हुआ ही नहीं वो। तो पहले नंबर हम लोग चलते फटाफट से वो शार्कमैन कराटे वाला जो फिस्ट होता है मतलब फाइटिंग स्टाइल, उसको हम लेके आते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग हॉन्टेड प्लेस पे जाते हैं। हॉन्टेड प्लेस पे जाने के बाद हम लोग तो फिर उनको एक साथ मारने की पूरा कोशिश करेंगे। और गाइस देखो, अगर आपको देखो सोल गिटार लेनी है तो दो पॉइंट ध्यान रखना भाई। सबसे पहले नंबर आप लोग की यहाँ पे 2200 लेवल होनी चाहिए। देन भाई देखो उस बंदे से बात करने के लिए जो कुछ जहाँ से हमने लिया उसको मतलब कि लेने के लिए आप लोग को यहाँ पे फुल मून का वेट करना पड़ेगा। जैसे फुल मून होगा उसके बाद आप लोग उससे प्रे कर सकते हो, तब जाके आपको वो कुछ देगा, नहीं तो वैसा कुछ नहीं देगा। तो ये चीज दो चीज ध्यान रख लेना भाई आप लोग। उसके बाद में गाइस आप लोग को क्या करना है, एक साथ हमें एनपीसी को मारना है। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे कौन सा वाला है, वो शार्कमैन ये वाला ना शार्कमैन। तो कर लेते हैं इनसे, लर्न कर लेते हैं। चलो भाई शार्कमैन कराटा मिल गया, हम लोग जाएंगे वापस से हॉन्टेड। टेलीपोर्ट मार सकते ना वहाँ पे, तो हम फटाफट टेलीपोर्ट मार दो इनसे। चलो भाई लोग हम लोग ने वहाँ पे हेमपॉइंट सेट कर रखा है, तो हम लोग जल्दी से चलते हैं टेलीपोर्ट करके। और बूम गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं हॉन्टेड कैसल पे, और जल्दी से हॉन्टेड कैसल पे हम लोग उनको डैमेज देंगे। रुक जाओ मैं ही करता हूँ, रुको एक बार मैं ट्राई करता हूँ, रुको रुको वेट करो। तुमने ऐसा करो, गन से मार। नहीं नहीं रुको रुको रुको। A few moments later. एक इसको मार दिया, एक इसको मार दिया, एक इसको मार दिया। मैं अपने पास बुला लेता हूं। एक इसको मार दिया और एक इसको मार दिया। अब इन लोग को घुमा घुमा के मैं लेके आऊंगा एक जगह पे। आ जाओ 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 प्रभु, ए प्रभु जगन्नाथम प्रेमानंद, आ जाइए आ जाइए। तुम्हें एक साथ पीटा जाएगा इनको यार, ये घूम रहे हैं यार, इनको यार इधर आओ ना यार, ये एक जना भाग रहा है इधर से। रुको रुको अब आएंगे लेके। ये एक दूर जा रहा है यार ये बंदा, ये चिंटुकला दूर जा रही है, इधर आना। चलो मार दूंगा मार दूंगा, इजी पीजी मार दूंगा। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ओके फाइनली हो गया एक ही बार में। क्या बात है सर, एक ही बार में एक्सीलेंट हो गया। मैं बोल रहा था हो जाएगा, हो गया गाइस फाइनली यहाँ पे हमारा ये क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। देन गाइस हम लोग को यहाँ पे और करना है, क्या करना है भाई बताना जरा। चलो भाई डबल एक्जी के पीछे चलते हम लोग तो यहाँ पे, और भाई से पूछते भाई बराबर। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने कर लिया गाइस, फुल मून में जो हमको क्वेश्चन लेना पड़ता है फुल मून वाला हमने क्वेश्चन कर लिया, वो भी भाई सब शार्क बन कर आटा लेके इजी पीजी एक बार में। अब हम लोग को देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन तो नहीं दिख रहा यार कोई, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। नहीं कोई साइन नहीं दिख रहा यहाँ पे ना। अरे होंगे यार साइन, नहीं दिख रहा यार, रुको यार देखो यार बोर्ड पे कुछ नहीं दिख रही है, सिर्फ यहाँ पे ब्लैक। एक सेकेंड, हाँ साइन आए हैं ब्लैक कलर में, छोटे छोटे से, बहुत बहुत छोटे छोटे ब्लैक कलर में। हाँ तो जैसे यहाँ पे गिनती करो और सेलेक्ट करो जिसमें सबसे ज्यादा है वो वाले साउंड बोर्ड को, मतलब साउंड को, साउंड बोर्ड मतलब कि यहाँ पे जो डेड बॉडी यहाँ पे दफन है यहाँ पे इनको कलेक्ट कर रहा है ना, मतलब इनको देखना है और उधर पे क्या करना है क्लिक करना है, जिसमें सबसे ज्यादा है उधर साइन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा है। अच्छा हटा के करना पड़ेगा ना क्लिक, हटा के करना पड़ेगा वो। चलो हाँ हाँ हो रहा है ये ना, वो हो जाता है काउंट करते जाओ दोनों साइड में, फिर मेरे को बताओ। एक दो तीन चार पाँच छ, इधर छ है, एक दो तीन चार पाँच, ये वाला करना है ना, ई दिया हो गया। हाँ फिर एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन छः, इसमें ज्यादा है ये वाला कर दिया। ठीक है जी, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सारे एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, ये भी कर दिया। ओके हो गया गाइस फाइनली वाला क्वेश्चन भी हो गया, बहुत ही सही यार एक्सीलेंट बोल दिया, वाओ वेरी इजी गाइस। देखो यहाँ पे आप लोगों को मैं देखो समझ में नहीं आएगा, अभी अंधेरा हुआ था लेकिन अभी हो गया उजाला, मतलब सुबह हो चुकी है। देखो हम लोगों ने किया क्या है ये वाले क्वेश्चन में, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो भाई यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ एरोस वगैरह जो आए थे यहाँ पे जो बोर्ड साइन थे,
उसमें क्या करना था हम लोग को, जहाँ पे ज्यादा यहाँ पे ये जो दफन होती है यहाँ पे डेड बॉडी वगैरह, तो यहाँ पे हम लोग को इनको गिनना था और जिस साइड में दोनों में से ज्यादा है, जैसे यहाँ पे तीन है और यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छह सात है, तो यहाँ पे जो वाला बोर्ड था उसको यहाँ पे भाई कुछ भी यहाँ पे आपको फिस्ट वगैरह कुछ भी नहीं रखना है, बस नॉर्मल यहाँ पे सिंगल हैंड पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में जो बोर्ड यहाँ पे साइन वाला बोर्ड था उस पर क्लिक करना है, जिस साइड ज्यादा यहाँ पे भाई जो डेड बॉडी दफन है जिस साइड में उस वाली वहाँ पे साइन करते जाना है, मतलब क्लिक करते जाना है और आप लोग का मतलब हो जाएगा ये वाले कुछ बहुत इजी पीजी। देखो यहाँ पे थर्ड थी, थ्री थी, यहाँ पे सेवन थी, ये वाले पे किया था मैंने और देन यहाँ पे भाई यहाँ पे ज्यादा थी और यहाँ पे कम थी तो हमने ये वाले पे क्लिक किया था। इसी तरीके से आप लोग ये वाला कुछ कंप्लीट कर लोगे देन गाइस हम लोग को यहाँ पे एक और चीज करनी होगी जो कि हमारे डेवलप जी भाई बताएंगे अब क्या करना है। हाँ भाई बताओ। अभी करना है हमें तीसरा क्वेश्चन। हाँ तीसरा क्वेश्चन करना है। चलो भाई भाई हम लोग को करना है तीसरा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा क्वेश्चन करने के लिए आप लोग देखते जाओ हम लोग कैसे कैसे जा रहे हैं। सेम सेम आप लोग को भी जाना है ठीक है। यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर एंड देन जाएंगे यहाँ से ऊपर भाई को यहाँ से देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे भूत चचा से बात करो। ओहो अरे भूत चचा जी हेलो, हमको तुमसे डर नहीं लगता है, अभी हनुमान चालीसा पढ़ देंगे ना तुम यहाँ से पूरा बोरी अवस्तर पान के निकल के चल जाओगे समझे। हम लोग को तुमसे डर नहीं लगता है। वैसे मिशन दे दो हमको, क्या मिशन है बताना जरा। घोस्ट भाई से हम लोग गाइस मिशन मांगते हैं। घोस्ट भाई बताना जरा भूत। हेलो हेलो बोलने के बाद ये भी ब्लैक स्क्रीन करके भाई यार पूरा अलग ही लेवल का यार ये सीन जमा रहे हैं यार। हाँ अभी क्या करना है। भाग गया भाई मैं कह रहा हूँ ना यार हनुमान चालीसा पढ़ दो यहाँ पे, हनुमान जी का नाम ही ले दो यार, ऐसे तरीके के घोस्ट तो ऐसे ही भग जाते हैं। देख लो भाई वही तो भाग भी गए। इधर आओ अभी वैसे कहाँ हो तुम। अच्छा उधर पे यहाँ पे तुम्हें टॉर्च लाइट वगैरह दिख रहे बल्ब वगैरह। टॉर्च वगैरह तो कहीं नहीं दिख रहा। हाँ नीचे नीचे बल्ब नहीं दिख रहा, ट्रॉफी दिख रही है। ट्रॉफी दिख रही है। हाँ ट्रॉफी ट्रॉफी। हाँ इनका इनका स्क्रीन शॉट ले लो इस तरीके से, इधर से खड़े खड़े स्क्रीन शॉट लेना है। थोड़ा जूम कम करके ना, मतलब जूम कम करके ले लो और वो स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो और तुम स्क्रीनशॉट नहीं मैं फोटो खींच लेता हूँ, एक स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ और आपको। रुक जाओ गाइस मैं यहाँ पे एक फोटो खींच लेता हूँ पीसी से, यहाँ पे मोबाइल से पीसी में ये कर लिया मैंने। ओहो एक यहाँ पे भी है आई थिंक, यहाँ पे भी है। ये वाला फोटो मैंने गलत ले लिया है। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ मैं इसके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट। अभी आओ मेरे पीछे ठीक है। चलो गाइस अभी हम चलते हैं हमारे डेविल भाई के पीछे, वापस से हम लोग को नीचे जाना है और नीचे जाने का देखो ये वाले दरवाजे सीधा से ऊपर जाना है जो वहाँ पे देखने वाला ट्रॉफी वाला एंड देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो नीचे हम लोग को आना है। नीचे आने के बाद में हम लोग को क्या करना है डेविल भाई। ओके ये देखो यहाँ पे स्क्रीन खाली था, पता है स्क्रीन खाली था ये। अब इसको कैसे करना है, अभी जो स्क्रीन शॉट था ना, हाँ जिस टाइप से ट्रॉफी रखी है वैसा कर दो। अच्छा अच्छा मतलब कि ट्रॉफी के जो एंगल्स हैं सेम वैसे एंगल्स पे करना है। हाँ। समझ गया मैं ठीक है। हाँ। और तो और जहां पेड़ से उनको रिमूव कर दो। अच्छा रिमूव भी होता है क्या इसमें। हाँ ठीक है एक ये तो था ही, ये रिमूव करना है, इसको रिमूव कर दिया एंड देन ये ठीक है यहाँ पे ये था। अरे ये हो नहीं रहा यार क्लिक होगा हुआ ये ऐसा था पास में एंड देन उसके बाद में ये तो सेम ऐसा ही था और ये वाला नहीं था, ये वाला था ही नहीं, ये गया ये रिमूव कर दो और इसमें सिर्फ था ये वाला तो रिमूव था एंड देन दूसरे वाले में ट्रॉफी था, ट्रॉफी में कैसा था साइन ऐसा और उसके बाद में यहाँ पे दो पेड़ थे इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया और इस वाले का भी था इस तरीके से। ओके गाइस फाइनली ये वाला भी डन हो चुका है। ओके ओपी यहाँ पे भी हो चुका है एंड अब हमको क्या करना है। अभी यहाँ पे ना जैसे ये ब्लू तार दिख रही है तुम्हें, पाइप ब्लू नहीं ये तो ब्लैक दिख रही है। हाँ यहाँ पे क्लिक हो नहीं ये वाली। हाँ हाँ दिख रही है यहाँ पे, मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करो माउस उसको शिफ्ट लॉक को हटाओ इसको ब्लू करो। ये रेड हो गया, ये ब्लू कर दिया। हाँ कर दिया ब्लू कर दिया। और रुको रुको अभी क्या करना है, ये वाले को रेड करो, ये वाले को रेड करना है, ये रेड कर दिया भाई कलर चेंज हो रहा है यहाँ व्हाट। हाँ हाँ यहाँ पे ग्रीन कर दो, यहाँ पे ग्रीन करना है ठीक है कर दिया। और यहाँ पे यही रहने दो, यहाँ पे रेड कर दो, यहाँ पे रेड कर दिया और यहाँ पे ब्लू कर दो। नहीं 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 रुको 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 एक बार गाइस देख लेते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा
यहाँ पे ये वाली जो चीज है भाई पैटर्न, इसको भाई बिल्कुल अच्छे से देख लेना। यहाँ पे ब्लू कर दो, ब्लू कर, यहाँ पे ब्लू करना है। ठीक है, एक दो तीन, ब्लू हो गया। ओके गाइस, फाइनली हमारा ये वही हो चुका, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा आ चुका है हमारा ये। ठीक है, अभी भाई पता नहीं क्या करना है, लेकिन गाइस देखो यहाँ पे जो पैटर्न था एक बार अच्छे से वीडियो में देख लेना मेरे भाई। ठीक है, एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, पीछे करके देख लेना कि यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है, कितने यहाँ पे ये छोड़े हैं, उसके बाद में कौन से वाले कलर पे क्लिक किया है। तो यहाँ पे मैंने पैटर्न तो लगा दिया, और पैटर्न होने के बाद में यहाँ पे एक्सीलेंट मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा आ गया। एंड देन गाइस अभी उसके बाद हम लोग को एक और चीज करनी होती है, क्या करना है यहाँ पे, अभी तुम्हारा रिक्वेस्ट हो चुके हैं तो अब तुम ले सकते हो सोल गिटार, ये रहा यहाँ से हम रियली। भाई साहब गाइस मैंने इतने इजी पीजी कुछ कर दिया भाई, बंदे बोल रहे थे एक साथ बंदों को मारना मुश्किल रहता है और ये मुश्किल होता है वो मुश्किल होता है, भाई कुछ भी सोल गिटार लेने में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी पीजी आप लोग ले सकते हो। मैंने जिस तरीके से कुछ कर उसी तरीके से आपको कुछ करना है अंदर गाइस। अब मैं फाइनली सोल गिटार लेने जा रहा हूँ गाइस, देखता हूँ मैं सोल गिटार ले लेते हैं यहाँ पे, ये ले लिया। एंड क्राफ्ट पे भाई ये यार बोल रहा है 500 बोन्स, वुड यू लाइक टू क्राफ्ट सोल गिटार, 500 बोन्स मांग रहा है, 250 इलेक्ट्रोप्लाज्म मांग रहा है, एक डार्क फ्रेगमेंट मांग रहा है, एंड दिस विल कॉस्ट यू 5000 फ्रेगमेंट। ठीक है, 5000 फ्रेगमेंट तो हो जाएंगे, अभी हम लोग को चाहिए क्या 500 बोन्स, 250 इलेक्ट्रोप्लाज्म और एक डार्क फ्रेगमेंट। ठीक है समरिया, बाकी गाइस देखो आपको बोन्स जो है, बोन्स आप लोग इनको मम्मी उसको मारोगे, ये जो है पोस्ट मम्मी को इनको मारोगे तो आपको बोन्स मिल जाएंगे। अभी मेरे पास देख लेता हूँ बोन्स कितनी है, क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ने वाली है। ओके 500 की जरूरत है, यहाँ पे 493 है, तो मैं बोन्स फटाफट से कर लेता हूँ भाई लोग। देखो बोन्स करने के लिए बहुत इजी पीजी है, बस इन लोग को मारना है आप लोग को, और इजी पीजी आपके बोन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जल्दी से इन लोग को मार लेता हूँ, 4 बोन्स ही नहीं है भाई। पायरेट रेड कर पाया था, पायरेट रेड मैं भी सोच रहा हूँ करने के बाद, आप कर लो काम, करो आप कर लो। यहाँ पे गाइस हम लोग यहाँ पे बोन कनेक्ट करना है, बोन वगैरह का मतलब कलेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट नहीं तो फटाफट से यहाँ पे बोन कनेक्ट करेंगे, एंड हमको फिर बाद में एक्टोप्लाज्म कलेक्ट करना है। तो देखते हैं भाई लोग एक्टोप्लाज्म कनेक्ट करने के लिए भाई मेरे को सेकंड सीपी जाना पड़ेगा, सेकंड सीपी में आप लोग को दिखा दूंगा किस तरीके से आप लोग को कहाँ पे वो डार्क जो फ्रेगमेंट होता है वो कैसे लेना है। बाकी इसको मारते हैं यार पहले, ये खत्म। अभी भाई साहब मेरी हेल्थ देखो यार कितनी कम हो चुकी है, और अभी मेरे पास कितने हो चुके हैं बोन्स, ओके 497 हो चुके हैं बोन्स, मेरे को चाहिए 500 यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको मार देते हैं। अरे दे दे भाई प्लीज यार, यार प्लीज यार, ओके 5 बोन्स और मिल चुके हैं फाइनली गाइस, हमारे 500 बोन्स हो चुके हैं। अब गाइस हम लोग को जाना है सेकंड सी पे, और सेकंड सी पे जाने के लिए हम लोग को यहाँ से टेलीपोर्ट मारना पड़ेगा। तो टेलीपोर्ट मारने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, होम पॉइंट यहाँ से सीधा होम पे जाएंगे, एंड होम पे कहाँ पे जाने, हम कैसल ऑन द सी पे जाने वाले, जहाँ पे पायरेट रेड यहाँ पे कर रहे हैं हमारे वो। अरे हम भी कर लेते ना पायरेट रेड, एक फ्रूट मिलेगा ना हमको भी, क्यों रुको गाइस हम लोग यहाँ पे सेबल एक्सटी के साथ में जाएंगे सेकंड सी पे। बाकी यहाँ पे हम लोग कौन है, 100 फ्रेगमेंट मिले मेरे को, 100 फ्रेगमेंट मिले मेरे को ओनली, और एक रबर फ्रूट भी मिला ये देखो। रुको भाई मेरे को मार रहा है ये बंदा गया। अरे यार प्राइवेट सर्वर के अंदर भी कोई मारता है क्या यार, यार अरमान भाई यार, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भाई मैं आप लोग को बता दूं, अरमान भाई यहाँ पे एक बंदा है जो कि परेशान कर रहा है हमको यहाँ पे, 10 मिलियन बाउंटी का बंदा है भाई। हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट यहाँ पे अरमान भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो भाई इस बंदे को समझा देना। A few moments later. तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं सेकंड सी के अंदर, गाइस सेकंड सी के अंदर गाइस आप लोग को यहाँ पे जो एक्टोप्लाज्म जमा कहाँ से करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। गाइस यहाँ से आप लोग को एक्टोप्लाज्म जमा करना है वो वाला जो जहाज वाला जगह है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जाके। किचन भाई मेरे को बैठाना है यार, जरा आने जरा बैठ जाओ। चलो भाई लोग अब हम लोग चलते हैं सीधा सीधा यहाँ पे वो वाला जो जहाज वाला जो जगह है, उस वाली जगह का मेरे को नाम याद नहीं है, वहां पे हमको जाना है और वहां पे जाके हमको एक्टोप्लाज्म जमा करना है। और भाई एक और किचन घूम रहा है वो देखो भाई, शिवम भाई हमारे जो कि हेल्प करा करते हैं हमारी भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे ग्राइंडिंग वगैरह में। बाकी गाइस हमारी ग्राइंडिंग मैक्स भी होने वाली है, शायद से मैं आज लाइव स्ट्रीम के अंदर कर ही दूंगा मैक्स वगैरह ग्राइंडिंग। तो चलो भाई लोग यहाँ पे चलते जल्दी से, ये वाली शिप के अंदर आने के बाद आप लोग को यहाँ से सीधा अंदर टेलीपोर्ट मार देना है। अंदर आने के बाद में गाइस आप लोग को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ये वाले किचन वाले जो बंदे होते हैं यहाँ के बस इनको मारना है। उसके लिए पहले थोड़ा सा मैं बुद्धा बन जाता हूँ, एंड बुद्धा बनने के बाद में बुद्धा ग्लिच कर लेता हूँ भैया क्या। हाँ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद में सिंपली भाई इन लोग को मारना है, और इन लोग को आप लोग जैसे ही मारोगे इस तरीके से तो यहाँ पे आप लोग को एक्टोप्लाज्म ये ही बंदे देंगे आप लोग को, ये वाली जगह पे आके इनको मारना बस। देखो 2 एक्टोप्लाज्म मेरे को मिल भी गए, और ये वाला नहीं दिया बंदा मेरे को एक्टोप्लाज्म, ओके इसने भी नहीं दिया। अरे ये क्या ले लिया मैंने यार, मेरे को क्या करना भाई, इस वाली जगह पे जितने भी बंदे हैं
सारे बंदों को लपेटना है और कोई ना कोई मेरे को एक्स्ट्रा प्लस जरूर देगा। और आपको भी इसी तरीके से बस आपको एनपीसीज को मारना है, ये वाले इधर वाले एनपीसीज को, और आपको एक्स्ट्रा प्लस इजी पीजी मिल जाएगा यहाँ पे। और मेरे कितने एक्स्ट्रा प्लस मिल साइड से 239 के साइड से, तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया। एंड जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेरे को 4-5 एक्स्ट्रा प्लस मिल भी गए, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास एक्स्ट्रा प्लस में जरूरत कितनी है, तो उतना काउंट करके फिर मैं जल्दी जल्दी से एक्स्ट्रा प्लस में जमा करता हूँ। मेरे पास एक्स्ट्रा प्लस में कितने हैं, 243 है, तो मेरे को 7 और चाहिए, तो जल्दी जल्दी से हम लोग 7 और कलेक्ट करते हैं भाई लोग। एक और मिल गया तो मेरे को चाहिए ओनली, ओके एक और मिल गया तो मेरे को चाहिए 5 एक्ट्रा प्लान चाहिए। जल्दी से किचन चलते हैं, किचन में यहाँ पे भाई मिल जाएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ओके नहीं मिल रहा है, इसको मारते हैं, इससे भी नहीं मिला, इसको मार को देख लेंगे क्या इसको मारने से मिलेगा, नहीं मिला, चलो भाई कोई बात नहीं, ऊपर चलते वापस से हम लोग। हम लोग को सिर्फ 5 एक्ट्रा प्लान और चाहिए, वो इजी पीजी कर पाएंगे वो तो हम। अच्छा भाई ये भी नहीं दे रहा है, चलो कोई बात नहीं, दूसरा बंदा देगा, दे दे भाई तू दे दे यार, अरे भाई दे दे यार, ऐसा मत करो यार, अरे भाई एक्ट्रा प्लान चाहिए ओनली 5, इसने भी नहीं दिया यार, भाई यार मत करो यार भाई, तेरे को तेरी बगल वाली आंटी की कसम है, वो भी नहीं दिया भाई, दे दे यार भाई यार, अरे भाई ये बंदे को कसम नहीं दी फिर भी दे दिया इसने, क्या प्यारा बंदा था, अरे भाई इसने भी दे दी, बढ़िया। चलो भाई लोग हम लोग यहाँ से निकलेंगे नीचे, यार यहाँ पे बहुत अंधेरा हो गया यार, चलो किचन में अंधेरा नहीं है, कम अंधेरा, ओह इसने भी दे दिया, सिर्फ 2 एक्ट्रा प्लान में, अरे भाई साहब क्या प्यारे बंदे यार यहाँ के, अरे भाई साहब ये किचन वाले बंदे अच्छा, अरे भाई फन ले आई हमारे यहाँ पे हो चुका है, ये वाला एक बार देख लेते हैं हमारा एक्ट्रा प्लान वाला हो गया कि नहीं, ओके 250 यहाँ पे एक्ट्रा प्लान हो चुके हैं गाइस। अब हम लोग को जाना है यहाँ पे सीधा सीधा थर्ड सी, एंड थर्ड सी पे जाने के बाद हम लोग को वहाँ पे बात करनी है। एक सेकंड गाइस, मेरे को याद आया आप लोगों को, मेरे को बताना भी है कि आप लोग को जो फिस्ट ऑफ डार्कनेस जो मिलेगी उसको यूज कहाँ पे करना है और आपको डार्क फ्रेगमेंट भी कहाँ से लेना है, तो भाई उस चीज को लेने के लिए आप लोग को क्या करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। किचन भाई आने जरा बिठाओ, तो गाइस आप लोग को देखो क्या करना है, आप लोग को जैसे ही कोई भी चेस्ट में या फिर अपने फ्रेंड को फिस्ट ऑफ डार्कनेस मिलता है, तो फिस्ट ऑफ डार्कनेस लेने के बाद में गाइस आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक सामने एक आइलैंड होता है, उस आइलैंड का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो वाला आइलैंड का नाम शायद से देवल जी भाई को नाम याद होगा, बताना भाई अगर आपको नाम याद है तो, डार्क अरीना, हाँ डार्क अरीना। देखो फिस्ट ऑफ डार्कनेस वाला जो आपको जो मिल जाएगा कोई भी चेस्ट में, एक होगा थिंक मेरे को पता नहीं है, जैसे मेरा यहाँ पे ये वाला है एरो वगैरह, इसी जगह पे आप लोग को एक दिखेगा फिस्ट ऑफ डार्कनेस, जैसे फ्रूट वगैरह दिखता है वैसे आप लोग को फिस्ट ऑफ डार्कनेस जैसे ही मिल जाएगा किसी भी चेस्ट में रेंडम मिलेगा, 1% चांस रहता है कि आपको मिले, तो उसको लेने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा शायद से यहाँ पे आना होता है ना, हाँ हाँ यही आना, यहाँ पे फिस्ट ऑफ डार्कनेस आपको यहाँ पे प्लेस करना होता है, इस तरीके से दिखता है फिस्ट ऑफ डार्कनेस, ठीक है। तो उसको यहाँ पे जैसे ही प्लेस करोगे आपको एक बॉस देखने को मिलेगा और आप लोग को सिर्फ उस बॉस को मारना है, जैसे आप उस बॉस को मारोगे भाई, जैसे आप उस बॉस को मारोगे आप लोग को वो मिल जाएगा डार्क फ्रेगमेंट, देन आप लोग को भाई आप लोग को बोन वगैरह और एक्ट्रोप्लाइन वगैरह कलेक्ट कर लेना है। अब भाई हम लोग चलते हैं सीधा सेकंड थर्ड सी पे, थर्ड सी पे जाने के बाद गाइस हम लोग जल्दी से लेते हैं हमारा सोल गिटार, फाइनली हमारे सारे चीजें डॉक्यूमेंट हो चुके हैं, तो जल्दी से चलते हैं हम लोग सेकंड सी पे नंबर भाई, अरे इधर बैठो, अरे चलो जल्दी से चलो यहाँ पे भाई हमारा थर्ड सी, तो जल्दी से हम लोग चलते भाई थर्ड सी पे और मिलते हैं आप लोग को एक सेकंड के अंदर दोस्तों। A few moments later. तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं थर्ड सी के अंदर, गाइस थर्ड सी के अंदर हम लोग यहाँ पे जहाँ पे वांटेड प्लेस पे हमारा सोल गिटार लेने वाले हैं, तो फाइनली गाइस हम लोग वाली जगह पे आ चुके हैं। एंड गाइस देखो मैं आप लोग को एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने 2200 लेवल जो आपसे बोला था कि आपको 2200 लेवल करना है उसके बाद आप लोग कुछ ले सकते हो, लेकिन गाइस जो मैंने बोला 2200 लेवल वो गलत है, 2200 लेवल नहीं 2300 लेवल पे मिलता है, 100 लेवल थोड़ा प्लस कर लेना। तो आप लोग को क्या करना है भाई, देखो 2300 लेवल करने के बाद में आप लोग को भाई फुलमून का वेट करना है, फुलमून वेट करोगे जैसे फुलमून हो जाएगा आप लोग को वो वाले चाचा जी से बात करना, जो चाचा जी से हमने बात करी थी वो चाचा जी से बात करने के बाद आप लोग को यहाँ पे एनपीसी को मारना है, जो हमने यहाँ पे एक साथ एनपीसी मारे थे थोड़ी देर पहले उन एनपीसी को एक साथ मारना है, एनपीसी को एक साथ मारने के बाद में जो भी हमने यहाँ पे भाई क्विस्ट वगैरह कम्प्लीट किए थे, जैसे ये एरो वगैरह का हो गया था, एरो वगैरह का आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था एरो अधिकार का फंडा है भाई, एरो का फंडा ये है कि जहाँ पे ज्यादा कवर है उस साइड वाले एरो पे क्लिक करना है और जहाँ पे कम कवर है उस वाले एरो को क्लिक नहीं कर रहा है, तो बस आपको इतना ही करना है, इस चीज को स्टेप को फॉलो करना है, आप लोग का ये वाला कुछ भी कम्प्लीट हो जाएगा। देन वो ट्रॉफीज का पैटर्न आपको देख लेते हैं, देख लेना जो आपको मैंने बताया था कैसे देखना है, डेविल एक्स जी भाई ने हम लोग को सारा चीजें बताया, तो वो ट्रॉफीज का पैटर्न देखने के बाद आप लोग को नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद में आप लोग को वो पैटर्न अप्लाई करना है, देन आपका वो वाला भी हो जाएगा, उसके बाद में आप लोग को जो रंग वाला जो पैटर्न था, कलर वाला जो पैटर्न था नीचे, वो जाली आपको दिखनी थी ब्लैक कलर की, वो वाली जाली से आप लोग को करना था, वो करने के बाद में गाइस आप लोग का
वो वाला क्वेश्चन भी कम्प्लीट हो जाएगा। देन गाइस आप लोगों को क्या करना है, ये तीन क्वेश्चन कम्प्लीट करने के बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पे वापस से आ जाना है, सारी चीजें कलेक्ट कर लेनी है जो मैंने 500 बोन्स एक्टोप्लाज्म और जो चीज ये मांग रहे अपने डार्क फ्रेगमेंट, ये चीज कलेक्ट करने के बाद गाइस आप लोग को यहाँ पे 5000 फ्रेगमेंट की जरूरत पड़ेगी, 5000 फ्रेगमेंट और करने के बाद आपको यहाँ पे क्राफ्ट करना है। एंड गाइस बूम गाइस हमारा सोल ग्लिटर फाइनल गाइस हम लोग को मिल चुका है इन्वेंट्री के अंदर। तो चलो गाइस हम लोग जल्दी से करते हैं हमारा सोल ग्लिटर इक्विप। कहाँ गया हमारा सोल ग्लिटर? सोल ग्लिटर भैया जी कहाँ हो तुम? ये रहा सोल ग्लिटर हम लोग कर लेंगे इक्विप गाइस, आप लोग देख सकते हो हम लोग ने कर लिया सोल ग्लिटर इक्विप और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका आई थिंक हम लोग को करना पड़ेगा। ओहो ऐसा करके मार सकते हैं क्या? ओहो 18 का डैमेज दे रहा है। ओके तो हम लोग को गाइस सोल ग्लिटर का यहाँ पे थोड़ा बहुत मास्टरी करना पड़ेगा। तो वैसे डबल एक्स जी भाई हम लोग मास्टरी करें आज ही की कल करें ये बताओ? लाइव स्ट्रीम में करते हैं। हाँ तो चलो भाई एक काम करेंगे हम लोग है ना इसका मास्टरी जो है वो लाइव स्ट्रीम के अंदर कर देंगे। लाइव स्ट्रीम में आप लोग आ जाना, लाइव स्ट्रीम करते हैं हम लोग शाम पे शाम को 7:30 या फिर रात को 8 बजे तक, मतलब 7:30-8 बजे तक मैं यहाँ पे कर देता हूँ शाम के टाइम में, रात के टाइम में आप जो भी समझो भाई उस टाइम पे मैं कर देता हूँ लाइव स्ट्रीम। तो आप लोग को अगर ब्लॉक स्ट्रीम की लाइव स्ट्रीम में आना है, मैं लाइव स्ट्रीम डेली करता हूँ, तो आप लोग आ सकते हो और वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, साथ में भी खेल सकते हो, मैं सर्वर का नेम देता हूँ सर्वर में ज्वाइन कर सकते हो, साथ में भी खेल सकते हो। तो सारी चीज आप लोग को मैंने देखो आज हमने ले ली है यहाँ पे हमारा जो सोल गिटार है जिसका मैं बोल रहा था, सोल गिटार हमने फाइनली गाइस ले लिया है और जितने भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कम्प्लीट किए बहुत ही ज्यादा जल्दी में किए और भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, आप लोग भी इजी पीजी कर सकते हो। 2300 लेवल करो, 2300 लेवल करने के बाद में गाइस आप लोग भी सोल गिटार इक्विप कर सकते हो। तो जल्दी से आप लोग 2300 लेवल करो और अपने भाई दोस्तों के साथ में करना ज्यादा अच्छा मजा आता है, जैसे डेविल एक्स जी भाई हमारे शिवम भाई सब्सक्राइबर जो है इनके साथ खेलने में थोड़ा बहुत मेरे को मजा भी आया और इन्होंने मेरे को बताया तो क्लियर मेरे को समझ में भी आया। और भाई देखो जिसको भी नहीं पता है फ्रेंड को भी नहीं पता तो आप लोग ये वाली वीडियो जरूर सजेस्ट करना ताकि सारे बंदों के पास में सोल गिटार होना चाहिए, जो हमारे सब्सक्राइबर है सबके पास सोल गिटार होना ही चाहिए। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गाइस मेरी तरफ से शिवम भाई की तरफ से और डबल एक्स जी भाई की तरफ से सभी को बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।